नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रीवा में जमकर बरसे कैलाश विजयवर्गीय, कहा ममता बनर्जी करवाती हैं विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय सेमरिया विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय सचिव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए उन पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय सेमरिया पहुंचे, यहां पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वह शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने सेमरिया पहुंचकर एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के द्वारा तैयार की गई टीम इंडिया के गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा। रीवा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और CPM के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाने का काम करती है। पिछले दिनों नगरपालिका के चुनाव में 70 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे, लेकिन मोदी जी को हटाने के लिए कांग्रेस और CPM के कार्यकर्ता दिल्ली में आकर हाथ मिलाते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं। वहीं मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा पोलिंग बूथ सशक्त है, 65,000 पोलिंग बूथों पर हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाएं और उनसे लाभान्वित होने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 160 से अधिक सीटों में चुनाव जीत कर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। टिकट के बंटवारे को लेकर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? बहुत तैयारी है, पोलिंग बूथ तक हमारा सशक्त है। हमारे लगभग 63,000 पोलिंग बूथ है, वहाँ पर हमारी हजार पोलिंग बूथ, उसके सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। हर पोलिंग बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं और वो जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उनके लाभान्वित होने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम 160 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और एक बार फिर सरकार। टिकट के बंटवारे को लेकर के क्या नीतियाँ बनाई गई हैं? पुराने विधायकों की टिकट कटेगी या फिर ये नीति सार्वजनिक थोड़ी की जाती है? बीजेपी के विरोधी माने जाने वाले व्यक्ति को कैसे दोबारा बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया? इसमें क्या रणनीति थी और क्या योजना बनाई गई इसके तहत? देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब इस प्रकार नहीं दिया जा सकता, पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी व्यक्ति योगदान देगा हम उसको स्वागत करेंगे। सागर में मल्लिकार्जुन ने आज घोषणा की है कि वहाँ पे संत रविदास जी की विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उनके नाम से, अगर सरकार बनती है तो। जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो सागर में संत रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर ना, अगर बुलाना हो इसका मालूम है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि सरकार बनने वाली है। और हम दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, 100 करोड़ रुपए में मंदिर बन रहा है। तो संत रविदास जी का प्रदेश ही नहीं देश के अंदर सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, सम्मान हम देने का काम। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव में हम 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी को कितना खतरा मानते हैं? राहुल गांधी जी कितना खतरा मानते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।